नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल GOV PVT को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। भीषण गर्मी से बचने के लिए आपदा प्रबंधन ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। राज्य में होगी 33 बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 25% क्षमता के साथ स्टेडियम में मौजूद होंगे क्रिकेट प्रेमी। दिल्ली एम्स से रांची लौटने के दौरान एक बार फिर लालू यादव की बिगड़ी तबीयत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भीषण गर्मी से बचने के लिए आपदा प्रबंधन ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। जिस तरह से मार्च महीने में सूरज की तपिश ने गर्मी बढ़ाई है और तापमान 40 के पार पहुंच चुका है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जून जुलाई में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। हालांकि इसके लिए आपदा प्रबंधन ने भी कमर कस ली है। आपको बताते चले कि आपदा प्रबंधन ने भीषण गर्मी, लू और हीट वेव के लिए विशेष तैयारी कर ली है। आपदा प्रबंधन ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शहरी क्षेत्रों में चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर किया जाए। जहां चापाकल नहीं है वहां पानी का टैंकर उपलब्ध करवाया जाए। मजदूरों के काम करने का समय सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक निर्धारित किया जाए। स्कूल और स्कूल की गाड़ियों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की निगरानी कराई जाए। साथ ही चलंत चिकित्सा दल भी रहे ताकि गाँव के लोगों का भी गर्मी में होने वाली बीमारियों का उपचार हो सके। जल स्तर नीचे जाने के बावजूद आपके नल में होगा पानी। गर्मी में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि क्षेत्र के कई जल स्रोत का जल स्तर नीचे चला जाता है, जिससे लोगों को पानी उपलब्ध होने में समस्या होती है। इस बार तो गर्मी मार्च महीने से ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में आपदा विभाग भी अलर्ट मोड में है। संभावित जल संकट को देखते हुए आपदा विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि जल संकट से लोगों को निजात दिलाने के लिए पूर्व में किए गए कार्यों की माइक्रो स्तर पर समीक्षा कर उसे हर प्रमंडल में तुरंत लागू करें, ताकि भूजल के स्तर में गिरावट होने के बाद चापाकल अगर पानी छोड़ता है, विभाग की तरफ से 27 से अधिक टीम इसके लिए बनाई गई है जो जिलों में भूजल के स्तर पर निगरानी करेगी और मरम्मती दल का भी फीडबैक लोगों से लेगी। राज्य में होगी 33 बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग। बिहार का स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य के प्रति सजग दिखाई दे रहा है। गंभीर बीमारियों को लेकर जागरूकता और इलाज को लेकर आए दिन बेहतर कदम भी उठाती रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में 33 तरह की बीमारियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की सुविधा 31 मार्च के बाद से शुरू करने की योजना है। इसके लिए बीमारी की जानकारी को IHIP पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस काम के सफल क्रियान्वयन के लिए हर स्तर पर तैयारी कर रहा है। अभी इसकी रिपोर्टिंग IDSP के पोर्टल पर की जा रही है। परिवहन मंत्री ने बिहार दिवस पर जनता को किया जागरूक। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा परिवहन के बढ़ते कदम और सड़क सुरक्षा पर प्रदर्शनी लगाई गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवहन विभाग पवेलियन का निरीक्षण किया और परिवहन विभाग द्वारा की गई प्रदर्शनी की प्रशंसा की। इसके पूर्व परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने परिवहन विभाग पवेलियन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार दिवस पर परिवहन विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली थीम पर इलेक्ट्रिक और CNG कार, ऑटो बाइक की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार से झारखंड आए निर्वाची अफसर माने जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी। बिहार और झारखंड के विभाजन के समय निर्वाचन सेवा में झारखंड आए पदाधिकारियों को झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है और कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा था कि जब राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के मूल कोटे को बढ़ाते हुए इसमें निर्वाचन सेवा के 40 पद का विलय किया था, तो विभाजन के समय से काम करने वाले निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रशासनिक सेवा का पदाधिकार माना जाएगा, जिसका समर्थन सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है और हाईकोर्ट के निर्देश को बरकरार रखा है। IAS अफसरों को ट्रेनिंग देगा BPART। बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान अब IAS अफसरों को प्रशिक्षण देने वाला है। 28 मार्च को होने वाले 1 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए 15 IAS अफसरों को मनोनीत किया गया। आपको बता दें कि बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान BPART द्वारा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एंड प्रोहिबिशन पर IAS अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मनोनीत किए गए अफसरों के नाम सामने आ गए हैं। इस लिस्ट के मुताबिक मनीष कुमार, मीना, सावन कुमार, अंशुल कुमार, मुकुल कुमार गुप्ता, रवि प्रकाश सहित 15 IAS अधिकारी को इसमें शामिल किया गया है।
इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना है एडमिशन तो जेईई मेंस के लिए 31 तक करें आवेदन। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अहम जानकारी ये है कि इच्छुक स्टूडेंट्स बिहार के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए 31 मार्च तक जेईई मेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मालूम हो कि जेईई मेंस के स्कोर पर ही एडमिशन लिया जाता है, इसके लिए अलग से कोई टेस्ट का आयोजन नहीं किया जाता। ऐसे में इच्छुक स्टूडेंट्स 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बताते चले कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जेईई मेंस में शामिल होना होगा, जिसकी परीक्षा 21 अप्रैल से 4 मई तक होगी। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, आम लोगों के लिए काल बन चुकी महंगाई धीरे धीरे लोगों को निगलने की कोशिश कर रही है। कभी दूध, रसोई गैस तो कभी पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों ने आम जनजीवन को त्रस्त कर दिया है। इसी बीच एक बार फिर से पेट्रोलियम के दामों में वृद्धि देखी जा रही है और अनुमान ये भी है कि अधिकतम रुपए तक इसकी कीमतों में बढ़ोतरी के आसार है। तेल और गैस कंपनियों ने दूसरे दिन बुधवार को भी कीमतों में वृद्धि कर दी। पेट्रोल की कीमत 75 पैसे बढ़कर 107.55 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह से डीजल की कीमत भी 73 पैसे बढ़कर 92.69 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। दाल उत्पादक किसानों को सरकार से मिली निराशा। बिहार में दलहन के पैदावार काफी जगह होती है। पटना, लखीसराय सहित बिहार के 5 जिलों में किसान दलहन की फसल लगाते हैं। ऐसे में उनकी अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी हुई है और उन्हें बिहार सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य की उम्मीदें रहती है ताकि बिचौलियों से बचा जा सके। लेकिन इस बार दलहन के किसानों को सरकार की तरफ से ही निराशा हाथ लगी है। इस बार सरकार दलहन के किसानों को बाजार की कीमतों से भी कम न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। दरअसल सरकार ने मसूर दाल किसानों से 5500 रुपए क्विंटल की दर से क्रय करने का निर्णय लिया है, जबकि बाजार में मसूर की कीमत 80 रुपए और दाल 90 रुपए पार कर गई है। बिजली की गलत बिलिंग के कारण बिहार ने किया 2424 करोड़ रुपए का भुगतान। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ये माना है कि बिजली की गलत बिलिंग की वजह से बिहार ने 2424 करोड़ का भुगतान किया है। दरअसल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के प्रश्न के उत्तर में ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने ये माना है कि बाढ़ फेज की 2 यूनिट 4 से बिहार को आपूर्ति की गई बिजली की गलत बिलिंग के कारण ही 504.85 करोड़ के विरुद्ध बिहार को 2424 करोड़ भुगतान करना पड़ा। इसके लिए बिहार ने भी ब्याज सहित 2600 करोड़ का दावा कर रखा है। 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण में पिछड़ा बिहार। कोरोना के कहर से बचाव के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी तत्पर है। कोरोना से बचाव के लिए बिहार सरकार ने वैक्सीनेशन के मामलों में कई रिकॉर्ड भी बनाए और सभी राज्य में अव्वल दर्जा भी पाया। हालांकि बिहार सरकार 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण अभियान में फिसड्डी साबित हो गई है। दरअसल 16 मार्च से शुरू हुए देश में 12 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण अभियान का एक सप्ताह पूरा हो गया। इस मुहिम में गुजरात और आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण करने में पिछड़ते दिख रहा है। दिल्ली एम्स से रांची लौटने के दौरान एक बार फिर लालू यादव की बिगड़ी तबीयत। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की तबीयत बीते दिन अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया गया। हालांकि दिल्ली एम्स ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एडमिट करने से मना कर दिया, जिसके बाद बुधवार सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें रांची वापस जाना था। लेकिन रांची लौटने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद यादव की तबीयत फिर बिगड़ गई और उन्हें दोबारा एम्स अस्पताल ले जाकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। दरअसल मंगलवार रात लालू यादव किडनी की स्थिति बिगड़ने के बाद एयर एम्बुलेंस से दिल्ली गए थे और रात भर इमरजेंसी में उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। जदयू का जिला सम्मेलन मई महीने से होगा शुरू। बिहार के सत्ता पक्ष की पार्टी जदयू का जिला सम्मेलन मई से शुरू होने वाला है। बीते दिन जेडीयू मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पार्टी संगठन के बारे में जानकारी दी गई। इसमें बताया गया है कि कुछ जिलों को छोड़कर हर गांव के 10 समर्पित जेडीयू कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कर ली गई है, जिसकी अब जांच की जाएगी। अब लिस्ट में मौजूद मोबाइल नंबर रैंडमली कॉल कर कंफर्म किया जाएगा। इसके बाद मई में जेडीयू का जिला सम्मेलन शुरू हो जाएगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को जेडीयू के जिला मुख्यालय से सीधा जोड़ा जाएगा। अरविंद सिंह बने केंद्र सरकार में श्रम मंत्रालय में हिंदी सलाहकार। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर सदस्य बनाया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। भाजपा नेताओं ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह को हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य नामित करने पर बधाई दिया है। अरविंद कुमार सिंह हिंदी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं और केंद्र सरकार के सभी विभागों का ज्यादा कामकाज राजभाषा में होता है। ऐसे में अरविंद कुमार सिंह का कार्य विभाग के लिए फायदेमंद साबित होगा। 25% क्षमता के साथ स्टेडियम में मौजूद होंगे क्रिकेट प्रेमी। आईपीएल T20 फॉर्मेट का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला लीग है।
देश विदेश के क्रिकेट फैंस इसे देखने के लिए दूर दराज से आते हैं और बेहद पसंद करते हैं। अगर मैच लाइव स्टेडियम से देखने का मौका मिले तो उससे अच्छा एक फैन के लिए क्या होगा। ऐसे में बीसीसीआई ने क्रिकेट फैंस के लिए स्टेडियम के दरवाजे खोलने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि आईपीएल 2022 के लिए स्टेडियम में फैंस को एंट्री मिलेगी। हालांकि बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि लीग फेज के लिए स्टेडियम की दर्शक क्षमता के अनुमान सिर्फ 25% दर्शक ही स्टेडियम में एंट्री कर पाएंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विनय कुमार, बाबूलाल मरांडी, विशाल कुमार जायसवाल, जवाहर कुमार, शशि भूषण, सुमित कुमार, राकेश महतो, शुभम यादव, अजीत यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपको क्या लगता है किसानों को सरकार द्वारा दलहन के लिए उचित MSP मिलना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।